शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा यह स्थापना दिन मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में शिवसेना ठाकरे गुट मध्य नागपुर की ओर से पार्डी चौक स्थित हनुमान मंदिर में प्रातः महाआरती, हनुमान चालीसा पठन और प्रसाद वितरण किया गया। इस समय 57 किलो लड्डू वितरित किए गए। इस समय हनुमान मंदिर में चालीसा पठन और महाआरती का आयोजन ठाकरे गुट शिवसेना मध्य नागपुर विधानसभा संगठक महेंद्र कठानी के नेतृत्व में किया गया, जहां कठानी ने शिवसैनिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिंदे गुट में जाने वाले कार्यकर्ता निष्ठावान नहीं है और जब तक शिवसेना में निष्ठावंत कार्यकर्ता मौजूद है शिवसेना नहीं टूटेगी। साथ ही साथ भावनिक प्रतिक्रिया देते हुए महेंद्र कठानी ने कहा कि बाला साहेब द्वारा हिंदुत्व और मराठी लोगों के लिए बनाई गई शिवसेना को आज पूरे 57 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज जो संकट शिवसेना पर और शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर आया है वो हटे, इसी भावना के साथ हमने इस पूजा का आयोजन किया है। जे वारंवार लोक चाललेले आहे ते निष्ठावंत नव्हते, निष्ठावंत जोपर्यंत शिवसेनेत आहे तोपर्यंत शिवसेना तुटू शकत नाही, फुटू शकत नाही। आणि ते निष्ठावंतांवर जे संकट येऊन राहिलेले आहेत, दररोज कोणी शिवसैनिकाला मारहाण करतो, कोणत्या शिवसैनिक महिलेने जर कोणती पोस्ट टाकली तिच्यावर मारहाण होते, ही 57 वर्षाची जी शिवसेना आहे हिच्यावर जे संकट आलेलं आहे हे संकट दूर सारण्यासाठी आज आम्ही इथे महाआरतीचं आयोजन केलं। शिवसेनेचा हा 57वा वर्धापन दिवस आहे। बाळासाहेबांनी एक जी संघटना स्थापन केली महाराष्ट्राच्या हितासाठी, हिंदुत्वासाठी, ते ती संघटना म्हणजे शिवसेना ही आज 57 वर्षाची झालेली आहे। त्यामुळे आज आम्ही या महाराष्ट्रातील तमाम मराठी बांधवांसाठी, हिंदू बांधवांसाठी आज हा वर्धापन दिवस एक जोरदार पद्धतीने साजरा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। मी महेंद्र कटाने, पूर्व नागपूर शिवसेना विधानसभा संघटक। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहोड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।